ताकि उसकी उस मौत को जिंदा रखे, उसकी जिंदगी जिस तरह से छीन ली गई, जिन जालिमों ने उसकी जिंदगी के चराग को गुल कर दिया, हम उसको नहीं भूलेंगे। और मारने वालों सुनो, हम तबरेज अंसारी को नहीं भूलेंगे। अरे कांग्रेसियों, जो तुम अक्सरती तबके के वोटों को डर कर नाराजगी इनकी नहीं मोलने के लिए तबरेज अंसारी के अफराद खानदान से सारी गानत नहीं किया, मैं तबरेज अंसारी को नहीं भुलाऊंगा, मैं तबरेज अंसारी को भूलने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तबरेज अंसारी की इस वाकये को दुनिया के सामने बयान करता रहूंगा, ताकि दुनिया अगर संदिल हो चुकी है तो उनके दिलों को मोम बनाकर रखूंगा। याद रखो, आज तबरेज अंसारी से यह हुआ, कल किसी के भी औलाद से होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि यह इनका असली चेहरा है। आपके दायरे में रहकर मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पार्टी का हरा झंडा गाड़ा है, अब मालेगांव में यहां पर गाड़ को जाएंगे। और अगर आप रोकना चाहे तो रोक लो, आप नहीं रोक सकते, शुरुआत हो गई है अभी है। तो आप हरे को नहीं निकाल सकते, तिरंगे का हिस्सा है। दूसरी बात